the money managing formula, please? Yeah, sure, why not? Please, sir. Thank you. ओके तो आपका जितना भी टोटल अमाउंट आता है, चाहे मंथली सैलरी में हो या आप उसको आप अपने आपका एक तारीख को जो पेमेंट आता है, आई एम टॉकिंग अबाउट 111 बिकॉज जनरली सैलरी जितने भी है कॉर्पोरेट उसमें है उनका 1 या 5 के बीच में आ जाता है सबका, राइट? जो रिटायर्ड है उनके भी जो रिटायरमेंट फंड्स होते हैं वो भी महीने की लास्ट को तारीख को नेक्स्ट मंथ का आ जाता है. सो दिस इज हाउ बिजनेस वालों का जब भी प्रॉफिट होगा तब उनका पैसा आएगा. तो जब भी आए आपके पास जो भी अमाउंट आता है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करते हो, कैसे उस चीज को मैनेज करते हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो सबसे पहले जो भी आपके पास अमाउंट है, आपके पास भले ही 100 रुपए क्यों ना, ओके, आज प्रॉफिट भले ही 100 रुपए का क्यों ना हो, उसका 10% आप सबसे पहले चैरिटी के एनवेलप में डाल दीजिए. उसके बाद जो अमाउंट बचा है दैट इज द 90%, उसमें से 50% आप अपने एक्सपेंसेस में डाल दीजिए. जो डेली एक्सपेंसेस का होता है, हमारा मंथली एक्सपेंसेस का फंड होता है, उसमें डालिए. 10% आप इन्वेस्टमेंट्स कर दीजिए, 10% आप रिक्रिएशंस और फन, बाहर खाना खाना है, ये है वो है, इन सब चीजों में डाल दीजिए. ड्रीम्स के लिए 10% रखिए, लर्निंग्स के लिए आप 5% रखिए, ओके, एंड इमरजेंसी फंड में आप 5% डालिए. आई थिंक आई एम डन विद दिस. 5 इज दिस, लर्निंग इज 5, ये 10 हो गया, 5 हो गया. ड्रीम्स के लिए 10%, सॉरी दैट्स व्हाट आई वाज मिसिंग. आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं उनके लिए, इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म गोल्स में डिफरेंस है, याद रखिएगा. जो इन्वेस्टमेंट है वो आप मनी को वापस पाने के लिए करते हो ऑन हायर नोट्स. जैसे 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किए तो आपका है कि 15% अगर आपको मिल रहा है तो आप 115 की डिमांड करोगे, है ना? दैट इज योर माइंडसेट. इन्वेस्टमेंट हम और पैसा कमाने के लिए करते हैं, लेकिन जो ड्रीम्स होते हैं ना वो हम अचीव करने के लिए करते हैं. तो ड्रीम्स और इन्वेस्टमेंट्स में अंतर है, डोंट कंफ्यूज इन बिटवीन देम, ओके? सो आई थिंक सो. एक्सपेंस का कितना है? एक्सपेंस का कितना है मैम? मंथली एक्सपेंसेस इज 50%, ओके, जिसमें आपका मेडिकल का आता है, रेंट का आता है, एवरीथिंग कम्स. अब एक चीज और है, ये तो मैं बताना ही भूल गई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी इमरजेंसी फंड भी कम पड़ जाता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, तो पैसा कहां से लाओगे? सोचिए सोचिए. एफडीज तोड़वाओगे, इन्वेस्टमेंट्स को तोड़वाओगे? नहीं, डोंट टच देम. ट्राई नॉट टू टच योर इन्वेस्टमेंट्स, ट्राई नॉट टू टच योर ड्रीम्स. अब ये जो मैंने 6-7 चीजें आपको बताई हैं, टोटल 7 पॉइंट्स जो आपको दिए हैं, इसमें से जो हैं दे आर अनटचेबल्स. अनटचेबल्स मतलब कि आपको इनको नहीं टच करना है, इनमें से पैसा आपको नहीं निकालना है इमरजेंसी में भी. उसके बाद आपके पास ये 4 चीजें निकालने के बाद 3 चीजें बचती हैं. चैरिटी को टच नहीं करना है, मंथली एक्सपेंसेस को टच नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट्स को टच नहीं करना है, और ड्रीम्स को टच नहीं करना है. इसके अलावा क्या बचा आपके पास? पर्सनल लर्निंग, लर्निंग एंड इमरजेंसी फंड, रिक्रिएशंस एंड इमरजेंसी एक्सपेंसेस. इन तीनों टोटल का इसका परसेंटेज कितना है? आपने लिखा है ना सबने, इन तीनों का परसेंटेज कितना है? 25%, 29 मैम. हाँ जी, रिक्रिएशन एंड फंड 10, लर्निंग 5, इमरजेंसी 5, राइट? अच्छा 20%, फाइन. So, ये जो 20% है, आपको सारा गेम इसमें प्ले करना. अगर कभी भी इमरजेंसी आ जाती है या कभी भी आपको पैसा निकालने की जरूरत पड़ रही है तो आप कहां से निकालोगे? इन 3 जगहों से निकालोगे पास. ठीक है? सो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज इट.